भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। सोमवार शाम को 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी हाल ही में ब्रेन सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी को स्वास्थ्य खराब होने के कारण 10 अगस्त को दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमने के बाद सर्जरी की गई थी। इसी वक्त उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली थी। पिछले कई दिनों से डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे थे, लेकिन लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। 84 साल के प्रणब मुखर्जी साल 2012 में देश के राष्ट्रपति बने थे। 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे। साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण और 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी के जाने से राजनीति में शोक की लहर है। केंद्र सरकार ने 7 दिनों के लिए राजकीय शोक घोषित किया है। हर राजनेता उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश दुखी है। वह एक स्टेट्समैन थे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के हर तबके की सेवा की है। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में योगदान दिया। वह एक शानदार सांसद थे जो हमेशा पूरी तैयारी के साथ जवाब देते थे। कांग्रेस में रहते हुए भी प्रणब मुखर्जी सबके प्यारे थे। उन्हें राजनीति का दादा भी कहा जाता है। कांग्रेस की सरकार में उन्होंने वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय संभाला। प्रणब दा की छवि राजनीति में साफ सुथरी थी। उन्होंने 5 दशक तक राजनीति में योगदान दिया और अंत में राजनीति का ये चमकता सितारा साल 2020 में एक मिसाल देकर हमेशा के लिए अलविदा कह गया।